बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा लगातार चर्चा में है, जिसको बॉयकॉट करने की बातें फिल्म की रिलीज से पहले से ही सामने आ रही हैं। वही फिल्म के किरदारों के खिलाफ भी तरह तरह के कमेंट्स लोग कर रहे हैं, जहां एक तरफ कुछ फिल्म स्टार्स ने इस फिल्म पर चुप्पी साध रखी है, जबकि कुछ स्टार्स ने अपनी राय खुलकर रखी है। हालांकि उसके बाद उन्हें भी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा है। वहीं कुछ एक्टर्स की तो फिल्मों पर भी बात बनाई है। ऐसे में आज हम ऐसे ही स्टार्स के बारे में बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल न्यूज नेशन बॉलीवुड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। इसके साथ ही आपको यहाँ दिख रही घंटी भी बजानी है, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। सबसे पहले शुरुआत किंग खान से करते हैं, जिन्होंने खुद इस फिल्म में कैमियो रोल प्ले किया है, जिसे देखने के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। जहां एक तरफ नेटिजन सोशल मीडिया पर हैशटैग बॉयकॉट पठान ट्रेंड करा रहे हैं, वहीं एक्टर के फैंस ने पठान फर्स्ट डे फर्स्ट शो का हैशटैग ट्रेंड करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में ऋतिक रोशन का नाम भी शामिल है, क्योंकि उन्होंने हाल ही में फिल्म को लेकर कहा था कि ये फिल्म उनके दिल को छू गई। साथ ही उन्होंने दूसरों से भी इस फिल्म को देखने की अपील की। फिर क्या था, तमाम सोशल मीडिया यूजर्स ने एक्टर की ही अपकमिंग फिल्म विक्रम वेधा के खिलाफ हैशटैग बॉयकॉट विक्रम वेधा का ट्रेंड चलाना शुरू कर दिया। फरहान अख्तर भी फिल्म के सपोर्ट में आए। उन्होंने इंस्टाग्राम पेज पर स्टोरी शेयर करते हुए लिखा, बेहद खूबसूरत फिल्म, फॉरेस्ट गंप की तरह क्लासिक बनाना आसान नहीं, लेकिन लाल सिंह चड्ढा ने खुद की एक जगह बनाई, टीम को बधाई। लेकिन अब लाल सिंह चड्ढा का सपोर्ट किया था तो फरहान भी कहां बचने वाले थे। तमाम यूजर्स ने फरहान को लेकर कहा कि उन्होंने लोगों के विरोध से बचने के लिए फिल्म के रिव्यू का कोई पोस्ट नहीं डाला। आपको बता दें कि फिल्म को समर्थन से ज्यादा विरोध जरूर मिल रहा है, लेकिन रिलीज के तीसरे दिन में फिल्म की कमाई में उछाल जरूर देखने को मिला है। वहीं हॉलीवुड सिनेमा ने भी फिल्म की तारीफ करते हुए इसे फॉरेस्ट गम के साथ कंपेयर करते हुए एक वीडियो शेयर किया है, जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं। खैर, फिल्म को पसंद या नापसंद करना हर किसी की निजी राय है। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और आप कौन से टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।